بسم الله الرحمن الرحيم। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेड पे एप्लीकेशन के बारे में, जो कि जेड बाज़ार सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू चलाई जाती है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड 100% लीगल कंपनी है। इस जेड बाज़ार जेड पे एप्लीकेशन के थ्रू आपको हर रिचार्ज पर, चाहे मोबाइल रिचार्ज हो चाहे डीटीएच रिचार्ज हो, हर रिचार्ज पर आपको 8.5% 8.5% कैशबैक दिया जा रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप 300 का रिचार्ज करते हैं तो आपको 23-24 रुपये आपको कैशबैक हर महीने मिलेगा, हर रिचार्ज पर मिलेगा। तो बहुत ज़बरदस्त ऐप है, बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। वैसे भी हम लोग रिचार्ज करते ही है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से, तो उसमें कुछ चार्ज आपको कैशबैक नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको फ़ोनपे से ही खुद 3 रुपये या 2 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज भरना होता है, लेकिन ये जेड पे एप्लीकेशन ऐसा है जिस पे आपको हर रिचार्ज पर 8.5% कैशबैक देना मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल मालूमात। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वो लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्ट वो लिंक आपके प्ले स्टोर पर ले जाती है। आप प्ले स्टोर पर जैसे आप आते हैं तो आपको एक जेड पे एप्लीकेशन आपकी शो होती है आपके स्क्रीन पर। ये जो जेड पे रिचार्ज बिल पेमेंट है, ये इस पर क्लिक करना है आपको, इसको इंस्टॉल करना है। जैसा ऑलरेडी मेरे इस पर इंस्टॉल की हुई है, इसके अंदर सारी डिटेल दिखेंगी आपको। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही ओपन कर लेते हैं आप, तो आपको इस तरह से इंटरफेस आता है। इस पर जो रजिस्टर का डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है आपको, आपका फुल नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, डबल कंफर्म पासवर्ड करना है, उसके बाद टी पिन डालना है, ट्रांजैक्शन पिन, उसके बाद स्पॉन्सर आईडी डालना है। स्पॉन्सर आईडी आपको जैसे आप क्लिक करेंगे लिंक पर तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, तो लिंक पर क्लिक करके स्पॉन्सर आईडी डालना है। स्पॉन्सर आईडी इसलिए ज़रूरी है, इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत आती है, ट्रांजेक्शन आपका रुक जाता है या कुछ इशू आता है, तो आप आपके स्पॉन्सर जो आपके अप लेवल वाले थे लोग, उनको आप कॉन्टेक्ट करके आपकी डिटेल ले सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड डाल के फिर से उसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से डैशबोर्ड नज़र आएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको बताता हूँ मैं क्या है। सबसे पहले ऐड फंड का ऑप्शन है। अगर आपको इसमें फ़ंड ऐड करना है रिचार्ज के लिए, तो आप ऐड फंड के थ्रू कर सकते हैं। बोनस वैलेट आपको कंपनी की तरफ से 599 दिया जाता है। फ़ंड वैलेट कहते हैं आपके जो फ़ंड वैलेट जमा वैलेट में जमा रहेंगे उसको। उसके नीचे आते हैं आप तो यहाँ मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, ये 3 सर्विसेज एक्टिवेट है। इसके अलावा फास्टैग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये धीरे धीरे कंपनी लॉन्च करेंगी। अब इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको 599 की मेंबरशिप, जिसे प्राइम मेंबरशिप कहा जाता है, उसे एक्टिवेट करना होता है जब सारी चीज़ें आपको मिलती है। ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले अमाउंट ऐड करना है। अमाउंट ऐड करने के लिए ऐड फंड में जाना है। यहाँ से आपको 500, 1000, अब हमको 600 रुपये की रिक्वायरमेंट है पहले, तो मान लो 600 रुपये आपको पे नाउ पर क्लिक करना है, फिर एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर लेना है। जैसे सबमिट करेंगे कुछ 2 से 5 सेकंड के अंदर आपके पास एक गेटवे पेमेंट का लिंक आ जाएगा, जिसके अंदर अलग अलग टाइप से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे UPI हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, स्कैन QR हो गया। सबसे सेफ और सबसे महफूज जो तरीका है वो सबसे लास्ट वाला स्कैन QR है, वो है। इस पर क्लिक करके आपको स्कैनर आ जाएगा। अभी स्कैनर का स्क्रीनशॉट निकालना है। स्क्रीनशॉट निकाल कर आपको फ़ोन पे, गूगल पे पर जाकर आपको ये अमाउंट आपका ऐड करना है। इस तरीके से अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो आपको दोबारा वापस जेड पे में आना है। जेड पे में आकर आपको ID एक्टिवेशन करना है। मान लो 600 रुपये हमने फ़ंड वैलेट में ऐड कर दिए, उसके बाद ये जो आपको रेड पट्टी पर या फिर बोनस वैलेट के ऊपर जो दिख रहा है प्राइम मेंबरशिप, उस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद ई बुक पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के नीचे आपका एक्टिवेशन प्लान 599 वाला डालना है। उसके बाद आपको फ़ंड वैलेट में जाकर आपको एक्टिवेट कर देना है। ये आपका प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको हर मोबाइल पर कैशबैक 8% मिलेगा, हर DTH रिचार्ज पर कैशबैक मिलेगा,
और ये जो शेयर का ऑप्शन है, ये शेयर के ऑप्शन से अगर आप किसी को शेयर करते हैं और वो आपके लिंक से एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद कंपनी को आप कंपनी की तरफ से आपको 200 रुपीज़ रेफरल का मिलेगा। वो चेक करने के लिए आप माई बिजनेस में जाएंगे। माई बिजनेस में आपको आपकी डेली की पेड टीम और टुडे टीम ये नज़र आएंगी, टुडे इनकम, टोटल इनकम नज़र आएंगी, और विड्रॉल का ऑप्शन, एक्टिवेशन का ऑप्शन। माय टीम में क्लिक करेंगे तो आपकी टोटल टीम नज़र आएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी सारी ZPay एप्लीकेशन के बारे में। तो आप लोग भी इसको यूज़ करें और एप्लीकेशन का फ़ायदा लें। आप जानते हैं इसके कैशबैक के बारे में, तो मोबाइल रिचार्ज पे अगर क्लिक करें अपने, तो जितने भी हमारे इससे पहले रिचार्ज है, ये देखिए मेरे 19 रिचार्ज हुए, हर रिचार्ज की डिटेल है। मान लो BSNL का रिचार्ज है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए 247 का रिचार्ज किए थे जिसपे 18.29 मतलब 18 रुपये आपको कैशबैक आया। उसी तरह 350 का रिचार्ज देखते हैं तो उसके अंदर आपको 25 रुपये कैशबैक मिलता है। बड़ा रिचार्ज दिखाना देखते हैं अगर हम, तो बड़े रिचार्ज पे भी आपको बड़ा कैशबैक मिलता है। जैसे इसके अंदर ज़्यादा तो 290 299, जियो का देखते हैं, जियो का 299 का रिचार्ज करने पे आपको 2200 रुपये के आसपास कैशबैक है। इस तरह से कैशबैक आपको मिलते रहते हैं। एक वोडाफोन आइडिया का VI का था 379 का, उस पर 2753 आपको कैशबैक मिला है। तो इस तरह से आपको हर रिचार्ज पे कैशबैक करके आप हर महीने आपकी सेविंग कर सकते हैं। मान लो घर में 4 रिचार्ज है, 4 मोबाइल है, तो हर महीने वैसे भी रिचार्ज करना ही होता है। तो अगर एक रिचार्ज 300 का भी हम पकड़ लेते हैं तो महीने के आपके 22-23 रुपये कैशबैक के थ्रू बच रहे एक रिचार्ज पर। 4 रिचार्ज पर तकरीबन 100 रुपये के आसपास आपका सेविंग होता है। महीने का आपका 100 रुपये सेविंग हो रहा है तो साल का 1200 रुपये होता है। आप पे कितने कर रहे हैं? सिर्फ 599 रुपये। उसके अंदर भी आपको अगर आप शेयर करते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हर रिचार्ज पे आपको कमीशन और हर रेफरल पे आपको 200 रुपये कमीशन मिलता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी ZPay के ताल्लुक से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप भी अगर चाहते हैं कि आपका सेविंग करें या फिर आप बिज़नेस करना चाहते हैं पार्ट टाइम, तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। बिज़नेस के थ्रू आप इनकम भी कर सकते हैं। 20 लेवल तक के आपको इसके अंदर इनकम मिलती है। अब इसके अंदर आगे हम जानेंगे अगले वीडियो के अंदर कि बिज़नेस का प्लान कैसा है, बिज़नेस कैसा कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आपको सारी डिटेल मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।